तुम आज जो भी हो ना, वो सिर्फ इसलिए हो, और अगर तुम चाहो तो मेरे जैसे नहीं हो सकते। किसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें नहीं करेगा। कपड़े की दुकान पर जाती हैं, चार चार घंटा बैठी हैं, ऐसे ऐसे कैसे कपड़ा कर रही। एवरी मैन एंड वुमन इज अ आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टेंसेस। तुम आज जो भी हो ना, वो सिर्फ इसलिए हो कि तुम किस माहौल में पले बढ़े हो। इसलिए अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, और अगर तुम चाहो तो मेरे जैसा नहीं हो सकते। किसी के जैसे बनना ये दुनिया की सबसे बेवकूफी वाली दौड़ है। नहीं बन पाओगे। बलराम और कृष्ण भाई हैं, लेकिन परिस्थिति अलग है। कृष्ण ने बड़ी चुनौतियां झेली हैं जिंदगी में, बचपन से जेल में पैदा हुए, फिर इतना हमला हुआ उनके ऊपर, इसलिए तुम देखो बलराम बहुत कुछ कर नहीं पाए जिंदगी में। जितना कांड उस आदमी ने किया है ना, लोगों को उनकी 16,000 रानियां दिखाई पड़ती हैं, उस आदमी का स्ट्रगल दिखाई नहीं पड़ता। और मस्ती से हाँ, कृष्ण भगवान 16,000 लड़की रखे हुए थे तो रखने थे भाई, 16,000 उनके साथ रहने चाहती थी ना, तभी तो रखे थे। तुम एक नहीं रख पा रहे हो, माँ बहन की गाली देती है तुमको। कहते हुए घूमते हो चारों तरफ, स्त्री नरक का द्वार है, वहीं से पैदा हुए और स्त्री नरक का द्वार है। जब किसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें नहीं करेगा। जब तुम किसी लड़की से आई लव यू कहते हो ना, उसको समझ में आ जाता है कि इतना ही प्यार तेरे दिल में, तो अपनी अम्मा को कर ले। इतना तेरा प्यार की बाल्टी भरी हुई है, छलक रहा है। तब वो तुमसे कहती है आइसक्रीम खाऊंगी, गोवा घूमने जाऊंगी। फिर तुम चिल्लाते हो कि लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। बुलाती हैं, किसी कभी बुलाई कोई लड़की किसी को, लड़के को बुलाई? कभी नहीं बुलाती। वो तुम ही शैम्पू वैम्पू लगा के, डीओ लगा के चौराहे खड़े रहते हो ऐसे कि हम भी उम्मीदवार हैं, स्वयंवर में आए हैं। कभी किसी लड़के का स्वयंवर हुआ? भिखमंगों का स्वयंवर क्यों होगा? अरे यार तुम एग्जाम्पल दो ना हमें, हम भी तो तुम्हें दे रहे ना एग्जाम्पल, तुम दो हमें कि हाँ हाँ एक लड़के का स्वयंवर हुआ था। भिखमंगों का स्वयंवर नहीं होता, स्वयंवर लड़कियों का होता है। एक से एक बाहुबली आते हैं, पर वो सबको नहीं चुनती। लड़कियां किसी के पीछे भागती नहीं, इसलिए तो उनका सिलेक्शन रेट ज्यादा है। उनकी बेवकूफियां हैं कुछ, वो गलतियां नहीं करती, वो कुछ बेवकूफियां करती हैं। शीशे के सामने बैठी हैं दिन भर, शीशा फोड़ दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ना नहाओ, 20 दिन नहीं नहाए, आप साफ रहिए, अच्छा कपड़ा पहनिए। हाइजीन तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन है शीशा, औरतों की सबसे बड़ा दुश्मन है उनकी तारीफ। उनको बहुत ज्यादा तारीफ नहीं सुननी चाहिए अपनी, बचना चाहिए उससे।
सब्जी खरीद रही 3 घंटा 3 घंटा सब्जी, आलू उठा उठा के ऐसे देख रही, अंदर घुस रही हो? नहीं नहीं नहीं, हाँ पता नहीं क्या, आम उठा के ऐसे देख, भैया मीठा है, मीठा अंदर जाके देखा मीठा है कि नहीं, वो भी कह रहा था बहन जी बहुत मीठा है, खा लो तो शुगर हाई हो जाए, भैया मीठा नहीं हुआ तो वापस कर दूंगी। कपड़े की दुकान पर जाती हैं, 4-4 घंटा बैठी हैं, ऐसे ऐसे कैसे कपड़ा कर रही, तेरे पापा कॉटन पैदा करते हैं? नहीं, कब कहाँ घुसी जा रही है इसमें, इतनी देर से क्या देख रही है इसको। तुम लोग का तो अभी अनुभव नहीं होगा, शादी हो जाएगी तो हो जाएगा। तो मेरी वाइफ मार्केटिंग करने आती, मैं किताब लेके जाता हूँ अपना गाड़ी में, जो आप एसी ऑन करके बैठे हैं, अभी 1 घंटा लगे तो आराम से कर ले कर ले। सबसे ज्यादा खतरा होता है शादी के टाइम, मंदी 10 बजे गई मार्केट में और लौट गई रात में 10:30 बजे, और लौट गई कही कि एक दुपट्टा नहीं मिला। अरे मैंने कहा गुलाम हाजिर है, सुबह आ जाएंगे आप, दुपट्टा दुकान खुलवाए? नहीं नहीं रहने दो। और 12 घंटा जो मार्केटिंग कर रही है, कोई थकान नहीं, गाड़ी भर के बैठ के बहुत थकान लग रही है, फीवर हो रहा है हल्का हल्का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब चीज़ों को लड़कियों पे ध्यान देना चाहिए। नहीं जाता तुम्हें अगर राइस करने आगे बढ़ना है, अपने प्रेफरेंसेस चेंज कर दो। लड़कों को 2-3 जगह जाना चाहिए बस, जिम, लाइब्रेरी और मंदिर, बाकी जाना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे जेब में 1 लाख रुपए नहीं रहता है तो लड़की की तरफ देखो मत, देखो ही मत, ऐसे आंख लड़की दिखाई पड़ा ऐसे आंख बंद कर लिया। जब गोलगप्पा नहीं खिला सकते हो, उतना तो मिनिमम खिलाना ही चाहिए ना। गोलगप्पा लड़की को बहुत पसंद है कि ऐसे मुंह में डालकर दबा जाऊंगी, पता नहीं चलेगा तुझको, बड़ा प्यारे डिश है, बड़ा मैसेज वाला डिश है। लेकिन लड़के इस बात को सुने कि लड़कियां गोलगप्पा क्यों खाती, कैसे दबा दूंगी, खत्म। कभी किसी लड़के को देखो गोलगप्पा खाते हुए? नहीं, वो सब बड़े स्पिरिचुअल खाने हैं, उनके मैसेज हैं। उठो, कब तक सोओगे यार, चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। सत्ता का नशा करो, सत्ता का